अगर आप इस फेस्टिवल सीजन होंडा कंपनी की साइन 125 खरीदने के लिए सोच रहे होंगे तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए एक साइन गाड़ी खरीदने के लिए। शोरूम पे जाने से पहले आपको उस बाइक के बारे में सारी बातें पहले से पता भी होना चाहिए, जिससे कि आप उतना पैसा लेकर शोरूम पे जा सकते हैं और आपको ये पता चल सकेगा कि होंडा साइन में कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, क्या माइलेज ये बाइक देती है, कौन कौन से कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जिससे कि आपको शोरूम पे जाने से पहले कलर के बारे में पता होना चाहिए। जो आपको पसंद आए उसी बाइक को आप परचेस करिएगा, क्योंकि बाइक एक बार लोग खरीदते हैं तो लगभग उसको ज्यादा समय तक यूज करते हैं, तो कलर भी काफी मायने रखती है। तो आइए इस वीडियो में होंडा साइन से जुड़े सभी जानकारी आपको डिटेल में देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यहाँ पे सबसे पहले साइन 125 के कलर ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको टोटल 5 के ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको ब्लैक, जेनी ग्रे मेटेलिक, डिसेंट ब्लू मेटेलिक, रेबल रेड मेटेलिक और मैट एक्सेस ग्रे मिल जाता है। तो ये 5 कलर ऑप्शन के साथ मिल जाएगी, सभी कलर ऑप्शन को देख सकते हैं। लेकिन आप में से काफी सारे लोग क्वेश्चन करते हैं किस कलर की बिक्री सबसे ज्यादा होती है, तो आप बता दें जो इसका जो ग्रे कलर है, जो जेनी ग्रे मेटेलिक है और मैट एक्सेस ग्रे है, इन दो कलर की बिक्री सबसे ज्यादा होती है। नॉर्मली आप देखेंगे तो सड़कों पे ये कलर ज्यादा देखने को मिलता है, उसके बाद आपको रेड कलर की बिक्री ज्यादा देखने को मिलती है, और उसका जो बाकी बचे कलर है वो लोग खरीदना पसंद करते हैं, जैसे कि ब्लू और ब्लैक को लोग थोड़े से बाद में पसंद करते हैं, पहले ग्रे को ज्यादा लोग खरीदना पसंद करते हैं। बाकी डिपेंड आप पे करता है कि आपको कौन सा कलर ज्यादा देखने में अच्छा लग रहा है, तो उसको आप चूज करिएगा। बाकी इंजन की बात करें तो 125 सीसी में आती है, आप सभी को पता है, नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन इसमें जो इंजन लगा हुआ है 123.94 सीसी 4 स्टॉक SI प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन दी गई है। इसमें OBD2 सेंसर E20 फ्यूल कैपेबल है, यानी कि जो आगे चल के एथेनॉल प्लस पेट्रोल वाले जो पेट्रोल मिलने वाले हैं उसका भी इसमें यूज कर सकते हैं। जिसका इंजन 7500 RPM पर 10.7 PS का पावर, जबकि 6000 RPM पर 11 NM का टॉर्क जनरेट करती है। इसमें 5 स्पीड तक गियर बॉक्स दिया गया है, यानी कि 5 गियर बॉक्स के साथ आती है, और इसके जो गियर बॉक्स है आगे इसमें न्यूट्रल लगता है, बाकी सारे गियर्स पीछे की साइड लगते हैं। तो 5 गियर बॉक्स दिए गए हैं, लेकिन इजीली इसको आप यूज भी कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको सेल्फ ओके की स्टार्टर भी मिल जाता है। सस्पेंशन सेटअप इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिल जाता है, तो अच्छे खासे सस्पेंशन भी दिए गए हैं, जिससे कि आप थोड़ी सी लंबी दूरी भी इससे तय कर सकते हैं, थकान यहाँ पे महसूस नहीं होती है। बाकी जो टायर साइज इसमें लगा हुआ है फ्रंट और रियर में सेम टायर दिया गया है, 80x100 का 18 इंच के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं, जिसके फ्रंट में आपको 240mm का डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक 130mm का ऑप्शन है। आप डिस्क ब्रेक के साथ भी जा सकते हैं या फिर ड्रम ब्रेक के साथ भी जा सकते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक लगा हुआ है 130mm का, यानी कि जिसको डिस्क ब्रेक वेरिएंट चाहिए तो वो भी ले सकता है, जिसको ड्रम ब्रेक वेरिएंट चाहिए वो भी मिल जाता है। फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें आपको CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, एक ब्रेक लगाने से दोनों ब्रेक एक साथ काम करते हैं, ये फीचर्स सेफ्टी के लिए दी जाती है। बाकी इसमें आपको इसके हेडलैम्प में हेलोजन बल्ब देखने को मिलेगा, बेसिक सा एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलता है, इसमें ज्यादा एडवांस फीचर नहीं दिए जाते हैं। साइड सेंस सेंसर भी दिया गया है, इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप स्विच मिल जाता है, सिंगल पीस की सीट लंबी मिल जाती है, तो ये सारे फीचर्स आपको बेसिक से देखने को मिल जाते हैं। बाकी माइलेज की बात करें तो ये 60 से 65 KMPL तक अप्रॉक्स माइलेज ये देती है, और टॉप स्पीड इसकी 100 KMPH से चली जाती है। बाकी कुछ डायमेंशन की बात करें तो व्हील बेस 1285 mm की है, ग्राउंड क्लियरेंस 162 mm की है, सीट हाइट 791 mm की है, फ्यूल टैंक 10.5 लीटर की है, और इसका जो कर्व वेट यानी कि 113 kg इसका भार है। वहीं बात आती है इसकी प्राइसिंग की, कि आपके पास कितना बजट होना चाहिए इस बाइक को खरीदने के लिए। तो सबसे पहले बता दें इसका एक्सुम प्राइस ड्रम ब्रेक वेरिंग के साथ, इसकी एक्सुम प्राइस दिल्ली में 79,800 यानी कि 79,800 रुपए तक है, और इसकी ड्रम ब्रेक वेरिंग के साथ ऑनरोड प्राइस 95,290 यानी कि 95,290 रुपए तक चली जाती है। लेकिन अगर आप डिस्क ब्रेक के साथ जाएंगे तो इसकी एक्सुम प्राइस 83,800 यानी कि 83,800 रुपए तक है, और इसकी अंडर प्राइस 99,290 यानी कि 99,290 रुपए तक चली जाती है। लेकिन ये जो एक्सरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस है ये दिल्ली का मैं बता रहा हूँ, अगर आप किसी और भी स्टेट से बिलोंग कर रहे होंगे वहाँ पे इसकी जो प्राइस है 1,000-2,000 रुपए तक ज्यादा या फिर कम भी हो सकती है, क्योंकि स्टेट वाइज प्राइस थोड़े बहुत यहाँ पे अलग अलग देखने को मिल जाती है, लेकिन प्राइस में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, आप 1,000-2,000 रुपए कम या ज्यादा लेकर चल सकते हैं। वहीं अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे इसकी प्राइस लगभग आपको 2,000 रुपए तक कम देखने को मिलेगी, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो वहाँ पे इसकी प्राइस 1,000-2,000 रुपए तक ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप तमिलनाडु से हैं तो वहाँ पे इसकी प्राइस लगभग 3,000 रुपए तक ज़्यादा इस प्राइस से आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि तमिलनाडु में ये थोड़ी सी महंगी है, उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी सस्ती है, बाकी दिल्ली के मैंने प्राइस यहाँ पे आपको बता दिया है। तो ये प्राइसिंग आपको होंडा साइन 125 की देखने को मिल जाती है। तो होंडा साइन 125 खरीदने के लिए लगभग आपके पास 93,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक का बजट होना चाहिए, तो अगर आपके पास इतना बजट है तो आप साइन को खरीद पाएंगे। बाकी कुछ एक्सेसरीज वगैरह कुछ लगवाते हैं तो उसके पैसे इसमें और भी ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में साइन से जुड़े जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे दिया, फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।